Hello students, welcome to the next learning center. I am Princy Sharma teaching you botany. आज हमारे lecture है cell cycle and cell division का. So cell cycle and cell division, have you heard about this before? कि क्या होता है क्या नहीं होता है. देखो cell cycle and cell growth division is कि जो cell division, first of all हमने cell division पढ़ा था इससे पहले living world में. मैंने बताया था कि unicellular organisms होते हैं, they divide, ठीक है, एंड वो अपना प्रोजेनी क्रिएट करते हैं, अपनी डॉटर सेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिवाइड होने के बाद. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रो करते करते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ के बाद अपना वो बढ़ा सके, मतलब हाइट बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, ठीक है. हम जैसे कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म एंड एग मिलके एक जाइगॉट बनता है, एंड जाइगॉट इज सिंगल सेल्ड. वही एक सिंगल सेल स्टेज होती है हमारी पूरी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. तो वो एक सिंगल सेल जो है वो इतना बड़ा कैसे बन गया कि आज इतने सारे सेल्स कहाँ से आ गए प्रॉपर, और पूरा एक बेबी बन गया, फिर हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, ठीक है. एंड फिर अगर हम एज अ फैट हमारा ग्रो कर सब कुछ ग्रो करता है तो वो कैसे होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैसे होती हैं. तो ये सब होती है सेल डिविजन के थ्रू ही, कि एक से दो बना, दो से चार, चार से छः, ऐसे करके आगे चार से आठ, ठीक है. तो वो सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, सेल डिविजन बोला जाता है. और सेल साइकिल क्या है, पूरा कि डिवीजन हो रहा है. और देखो अगर कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है, देखो अगर मान लो ये सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है तो अंदर क्रोमोसोम भी होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है. तो अगर इसने डिवाइड करना है आगे, इसने डिवाइड करना है आगे, तो व्हाट इट विल डू इज कि जो इनके अंदर का मटीरियल है उसे ये दो में करेंगे, पहले दो में डिवाइड करेंगे ताकि फिर ये डिवाइड हो सके आगे. और ये सेल ठीक है, ये सेल है इसके अंदर, रुकिए, ये सेल है ठीक है, अंदर मान लीजिए न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये इधर चला गया, एक इधर चला गया क्रोमोसोम, ठीक है. ये मैं आपको एक रफ एस्टिमेटेड डायग्राम बना के बता रही हूँ इस चीज़ का कि हमने क्या पढ़ना है अभी आगे. ये दो न्यूक्लियस हो गए विद टू क्रोमोसोम मटेरियल. यहाँ पे देखो डीएनए ने जो इनका क्रोमोसोम था, बोलूँ या डीएनए बोलूँ, उसने भी रेप्लिकेट करना है, सेल ने भी ग्रोथ करनी है ताकि वो क्या बोलते हैं इसको दो में दिखाए. न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ है यहाँ पे, ठीक है. न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, फिर आगे सेल ने और ग्रोथ करिया, बड़ा हुआ, फिर वो दो में ऐसे अलग अलग हो गया, ठीक है. आप समझ जाइए चीज़ को, मैं और एक्स्ट्रा नहीं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं कि सेल है, सेल में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ या डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, फिर वो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ बीच में से, उसके बाद दो न्यूक्लियस आ गए, उसके बाद दो डॉटर सेल्स आ गए, मतलब सेल ने भी फिर अभी न्यूक्लियस ने कर लिया था, अब यहाँ पे सेल भी कटना स्टार्ट हो गया, ठीक है. अब देखो तो बेसिकली साइकिल्स ऑफ ग्रोथ और जो डिविजन होता है, कोई सिंगल सेल है, ये तो आपको रफ एस्टिमेशन इस तरीके से मिल गया, ठीक है. सिंगल सेल है उसमें साइकिल्स ऑफ ग्रोथ हुई बहुत, मतलब बेसिकली तुम्हारा सेल जो है उसने ग्रोथ किया, उसमें अंदर डीएनए का एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का ग्रोथ हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर इससे ही आगे जाके क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. क्यों? क्योंकि एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बनेगा, ऐसे करते करते बहुत सारा बन गया विद टाइम, ठीक है. अब देखो सेल साइकिल होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे हम सेल साइकिल की, तो क्या होती है. सेल साइकिल तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स,
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम फिर क्या होता है जीनोम तो मतलब क्रोमोसोम डीएनए सब हो गया, फिर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको भी डुप्लीकेट करेगा, उनको भी सिंथेसाइज करेगा जो डबल करने, क्योंकि देखो अगर सेल ने डिवाइड करना है तो साइटोप्लाज्म का तो अमाउंट बढ़ेगा ही सही, बट ऑब्वियसली दो माइटोकॉन्ड्रिया इन सबको भी तो देना होगा ना आगे, तो इसीलिए तो क्या होगा सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड डिवाइड कर जाएगा इंटू टू डॉटर सेल्स, इंटू टू डॉटर सेल्स। जो मैंने तुम्हें रफ एस्टिमेशन बताया था ये डायग्राम बना के, वो इसमें यही तो हो रहा है कि इन्होंने डीएनए रेप्लिकेट किया, मतलब इसका जीनोम को रेप्लिकेट किया, डुप्लीकेट किया, फिर ग्रोथ हुई है, और इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, डिफरेंट चीज़ें हो गई, उन्होंने भी डिवाइड करके दो बनाना है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन करना है, फिर वो दो डॉटर सेल्स में कट हो गए, वो डिवाइड हो गए। देखो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं कि आपका सेल डिवीजन भी होगा, ठीक है, इसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है, प्लस तुम्हारा सेल का ग्रोथ भी हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हो रही कि सेल ने ग्रोथ किया, डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर सेल डिवाइड किया, ये सब चीज़ें तुम्हारी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तुम्हारी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में होगी, ऑल इन कोऑर्डिनेटेड वे, एक मिनट, ठीक है, जब ये सारी के सारी कोऑर्डिनेटेड वे में होगी तभी जाके तुम्हारा करेक्ट डिवीजन हो पाएगा एंड फॉर्मेशन होगा किसका, प्रोजेनी सेल्स का। ठीक है, एंड फॉर्मेशन होगा आगे प्रोजेनी का, या फिर बोल लो डॉटर सेल्स का होगा, ठीक है, विद इंटैक्ट जीन्स, मतलब इनके अंदर भी तो जीन्स होंगे, जीन्स के बिना, अब जीन्स का तो रेप्लिकेशन करना ही पड़ेगा ना बच्चों, बिना जीन्स के प्रॉपर्टी कैसे आएगी कि भाई ये प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, या कि जैसे कि मैंने हमेशा से पहले भी बोला है कि अगर हमारे आँख नाक कान ऐसे बनने हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, जीन्स के थ्रू ही आता है हमारे अंदर, तो डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, वो जीन्स को भी अलग से रेप्लिकेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ताकि वो आगे जा सके, अब वो आगे जा सके और वो आगे अपना बना सके कि हाँ ये चीज़ें बननी हैं। ठीक है, वो तो हम जेनेटिक्स में पूरी चीज़ें पढ़ते हैं दोबारा, पर करेक्ट यहाँ पे फिलहाल क्या है कि करेक्ट डिवीजन होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी के साथ विद इंटैक्ट जीन्स, विद इंटैक्ट जीन्स। ठीक है, ओके, अब देखो सेल ग्रोथ में क्या होता है, सेल ग्रोथ क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म का इंक्रीज करना, सेल ग्रोथ क्या होता है, इसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, ठीक है, अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूसली तुम्हारे हो रहा है सेल में, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, पर जो सेल डिवीजन होता है या डीएनए सिंथेसिस होता है, बेसिकली सेल डिवीजन तो चलो बाद में हो ही रहा है एट द एंड, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है,
हमारे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो ओनली ड्यूरिंग द वन टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है या स्पेसिफिक स्टेज में हो रहा है पूरी साइकिल के अंदर, ओनली ड्यूरिंग. ये चीज़ें याद रखने की है बच्चों की, ये कि सेल ग्रोथ तो कॉन्टिन्यूस होती है बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है ओनली ड्यूरिंग वन स्टेज या वन स्पेसिफिक स्टेज इन साइकिल, पूरी साइकिल में सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पे हो रहा है. ठीक है, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट कर रहे हैं और जो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं. मतलब ये मैंने दो एरो बनाए पर लिखा डॉटर सेल पूरा है कि दो डॉटर सेल्स हैं, टू डॉटर सेल्स हैं बेसिकली, उनमें डिवाइड हो गए. ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल सी चीज़ें चल रही है अभी तो. और जो सारे इवेंट्स हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, देखो यहाँ पे भी ये जो चीज़ हो रही है कंट्रोल, जो ये ऑल सारे इवेंट्स हैं वो भी अंडर जेनेटिक कंट्रोल है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल है. ठीक है, अब देखो हर चीज़ ना कहीं जीन्स के कंट्रोल में ही है, हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी. अगर तुम्हारी कोई भी जीन में कहीं पे भी कट या कुछ भी डिफॉर्मेशन हो जाता है तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं उन्हें, क्रोमोसोमल डिजीज़ बोलते हैं. तो बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है सारा का सारा. ठीक है, अब देखो फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल कि क्या क्या फेजेज होती है लाइफ साइकिल की. फेजेज ऑफ सेल साइकिल, देखो जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल होता है, बेसिकली तुम्हारा जो ह्यूमन सेल है वो यूकैरियोटिक सेल ही है. देखो बच्चों आई एम ट्राइंग कि तुम्हारा एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर हो, मैं ज़्यादा भाग भाग के भी ना करवाऊँ और इन टाइम भी करवा सको तुम्हारा, कि जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम एटलीस्ट इस वीडियो को 2x पर भी करके देखोगे तो तुम्हारा जल्दी से चैप्टर कवर हो जाए. ठीक है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल. अब देखो एक यूकैरियोटिक सेल मान लो कि जो एक ह्यूमन सेल होता है बेसिकली, मतलब हम यूकैरियोटिक सेल और भी हैं बट हम यहाँ पे एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले रहे हैं कि ह्यूमन सेल को हमने कल्चर किया है. हमने कल्चर किया तो हमने देखा कि वो कितने टाइम में डिवाइड होता है, 24 आवर्स में डिवाइड होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, 24 आवर्स में वो डिवाइड हो रहा है यूकैरियोटिक सेल, जो कि ह्यूमन सेल हमने उसका एग्जांपल लिया है, बेसिकली हमने उसे लिया है और 24 आवर डिवाइड वंस इन 24 आवर. ओके, समझ में आई ये बात. और देखो ये जो डिवाइडेशन होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे देखो और जो ड्यूरेशन भी होती है वो भी अलग अलग होती है. ड्यूरेशन जो होती है सेल साइकिल की वो वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगी, और सेल टाइप टू सेल टाइप, कोई सेल कब डिवाइड करता है अकॉर्डिंगली, सबका अपना अपना टाइम है. ठीक है, देखो अब तुम्हें याद है पिछले मैंने तुम्हें उसमें बताया था सेल वाले चैप्टर में कि जो 2 मीटर लॉन्ग होता है ऑलमोस्ट हमारा डीएनए, वो 46 क्रोमोसोम में फैला होता है, मतलब 23 पेयर जो है ना ये उनमें फैला होता है. ठीक है, तुम सोच रहे हो कि इतना छोटा सा सेल होता है जो हमें दिखता भी नहीं है, उसमें ये चीज़ है कितनी कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, तो क्या क्या चीज़ें होती होंगी उसमें. ठीक है, अब जो सेल साइकिल है देखो जो सेल साइकिल है उसमें 2 फेजेस होते हैं. सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं. ठीक है, एक हो गया एम फेज, एक हो गया इंटरफेज. ठीक है, अब ये जो एम फेज है बच्चों, अब ये जो एम फेज है बेसिकली माइटोसिस फेज यही है, या यूँ बोलो कि डिवाइडिंग फेस है कि जब डिवाइडेशन हो रहा है. और ये इंटरफेस क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू माइटोसिस, टू एम फेज, बिटवीन टू एम फेजेस.
जो टाइम ड्यूरेशन होगा या टाइम इंटरवल होगा दो माइटोसिस फेज के बीच में, वो क्या होता है, इंटरफेज होता है, ठीक है। अब ये जो है माइटोसिस फेज, इसी में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है तुम्हारा माइटोसिस फेज में ही, ठीक है। और इसीलिए से एक्चुअल सेल डिवीजन फेज या माइटोसिस फेज, और ये जो होता है ना बच्चों, ये सिर्फ ओनली फॉर एन आवर होता है ओनली। जैसे कि देखोगे हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ह्यूमन सेल का, इसलिए मैं बोल रही हूँ ओनली फॉर एन आवर या वन आवर, बेसिकली 24 आवर्स में से तुम देख रहे हो कि इतने 24 घंटे में से सिर्फ एक घंटे में माइटोसिस हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन जो बेसिकली हो रहा है वो सिर्फ इसी में हो रहा है। बाकी टाइम पे बच्चों इंटरफेस चलता है, जब चीज़ें प्रिपरेशन चल रही है बेसिकली, कि जो सेल का ग्रोथ चल रहा है या सेल में सिंथेसिस हो रहा है न्यू ऑर्गेनल्स का, ठीक है। देखो ये तो चलो हो गया तुम्हारा इंटरफेस, जो फेजेस बिटवीन टू फेज बिटवीन टू एम फेज है, तो इसमें क्या ये 95% है तुम्हारा, ऑलमोस्ट 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये सिर्फ 5% टाइम आया इसका, ठीक है। ये इसको ना रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसे रेस्टिंग फेज ही बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जैसे सेल सेल प्रिपेयर करता है तुम्हारा फॉर डिवीजन, ठीक है। इसमें तुम्हारा सेल का ग्रोथ होगा, तुम्हारे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और क्या हो सकता है, यही हो रहा है बेसिक काम तो। और ये एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए, इन एन ऑर्डरली मैनर, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। अब देखो जो ये एम फेज हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, ये जो हमने एम फेज पढ़ा था, दो हम एम फेज की प्रॉपर स्टेजेस पढ़ेंगे, चार स्टेजेस होती हैं वो हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, बट यहाँ पे मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ कि जो एम फेज है स्टार्ट कब होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, कि जब तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम्स का, जिसे न्यूक्लियर डिवीजन से के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ अंदर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम बन चुके हैं ना हमने डिवाइड करा रेप्लिकेट करा, उनका सेपरेशन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन को एक और चीज़ क्या बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये तो भाई हो गया कि तुम्हारे एम फेज में क्या होता है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो जो इंटरफेज है उसको देखते हैं हम, उसमें क्या क्या है। अभी हम इंटरफेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम एम फेज की फेज स्टेजेस पढ़ेंगे। अभी हम इंटरफेज के स्टेजेस देखते हैं। पहला है जीवन फेज, एक है जीवन फेज, ठीक है, एक है एस फेज जिसमें बेसिकली सिंथेसिस हो रहा है, और एक है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज इसको देखो गैप वन भी बोलते हैं और इसको गैप टू भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो G1 फेज G2 फेज इनमें क्या क्या होता है। G1 फेज क्या है, ये वो इंटरवल है जब माइटोसिस हो रहा है और तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो रहा है,
स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब बेसिकली माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन हो गया। अब जब दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है ताकि तुम्हारा दूसरा डिवीजन हो सके आगे, तो ये है इंटरवल बिटवीन, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस टाइम पे जो तुम्हारा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, बट यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, बट नो रेप्लिकेशन। यहाँ पे तुम्हारे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। अब दूसरी स्टेज क्या है, एस फेज है, सिंथेसिस फेज। तुम्हें नाम से ही पता पड़ रहा है सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का, तो डीएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पे और फिर उसका रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाता है, एक एक सेल में जो भी अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाता है। से अगर स्टार्टिंग में तुम्हारा 2C था वो 4C हो गया, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डजंट इंक्रीज। जो तुम्हारा स्टार्टिंग ऑफ द G1 फेज में था वो तुम्हारा S फेज के एंड में भी वही रहेगा, 2N ही रहेगा। बेसिकली ये डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड ही रहेगा, ये इस तरीके से था डिप्लॉइड मान लो। तो इसके बाद तुम्हारा ये इसमें ही ग्रोथ हो रही है बस, कि इसने अपना एक और अमाउंट बना लिया एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी ये डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा। पता ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ऐसे, या फिर तुम्हें पूछ सकते हैं कि ये कोई सेल है इसमें इतना स्टार्टिंग में क्रोमोसोम था, इतना डीएनए था, इसने रेप्लिकेट किया, एस फेज के बाद कितना होगा, एम फेज के बाद कितना होगा, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। अब आता है G2 फेज, जहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उसका प्रिपरेशन हो रहा है माइटोसिस के लिए, जब तुम्हारा सेल का ग्रोथ चल ही रहा है। अलग से प्रोटीन का सिंथेसिस फेज दे रखा है, प्रोटीन सिंथेसिस फेज है ये, ठीक है। जब तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन चल रहा है और सेल ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है, ओके। अब देखो ये चीज़ तो समझ आ गई, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया और ये तुम्हारा G2 फेज हो गया। G1 फेज में तुम्हारे क्या हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है पर कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है डीएनए का, ठीक है। और तुम्हारे S फेज में सिंथेसिस हो रहा है, तुम्हारा डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है पर क्रोमोसोम का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। फिर तुम्हारा G2 फेज आ रहा है, वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अब देखो जो कुछ सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, सम सेल्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर ऐसे होते हैं जो डिवीजन नहीं करते हैं, या एक पॉइंट तक कर लिया उसके बाद उन्होंने करना बंद कर दिया अडल्ट एनिमल में, ठीक है। अडल्ट एनिमल्स में डिवीजन नहीं करते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, हार्ट सेल, या बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं, मैनी सेल्स एनिमल्स में वो सिर्फ तब ग्रो करते हैं डिवाइड ओकेजनली, जब ज़रूरत होगी डिवाइड ओकेजनली,
ठीक है, क्यों रिप्लेस करने के लिए, टू रिप्लेस सेल्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी. कब रिप्लेस कब करने पड़ेंगे, जब वो लॉस्ट हो चुके हैं इंजरी की वजह से, चोट लग चुकी है, चोट लगी है यहाँ पे, सेल्स हट गए यहाँ के, तो इनको रीग्रो करने के लिए, और सेल डेथ हो चुकी है, नेक्रोसिस. अच्छा ये चीज़ तुमने अभी नहीं सुनी है, लेट इट बी, तुम्हारे मेडिकल के टर्म्स में आ जाएंगी आगे जाके, जब तुम मेडिकल MBBS इन सब में पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, ठीक है. मैनी सेल्स डिवाइड करती है ओकेजनली रिप्लेस करने के लिए सेल्स लॉस बिकॉज ऑफ द इंजरी और सेल डेथ के टाइम. कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर रहे, अब ख़त्म कर दिया उन्होंने डिवाइड करना. सेल डू नॉट डिवाइड नाउ, क्यों, क्योंकि वो एग्जिट कर चुके हैं, एग्जिट G1 फेज. G1 फेज को एग्जिट कर चुके हैं और एंटर कर चुके हैं इनटू एक्टिव स्टेज है. देखो जो स्टेज में ये एंटर कर चुके हैं ना, वो क्या है, एक्टिव ही है इस टाइम पे, ये ऐसा नहीं कि इनएक्टिव है, ये एक्टिव है. इस स्टेज को बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. क्यूसेंट क्यूसेंट स्टेज, सॉरी क्यों नहीं है बच्चों यहाँ पे, फ्लो फ्लो में क्यों लिख दिया, दिस इज G0 फेज. ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, खत्म हो चुके हैं, बट प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. इनका प्रोलिफरेशन ख़त्म हो चुका है अनलेस इन्हें बुलाया जाए, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं, तुम बुलाओगे तो कर लेंगे भाई आके ये, अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो. ठीक है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब देखो एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिविजन होता है वो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है ओनली. ये क्यूसेंट स्टेज क्या, याद रखना, और क्या होता है इसमें याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है. अब देखो एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो सेल डिविजन है वो किस में होता है, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में. और प्लांट्स में कब होता है, सोमेटिक सेल्स होंगे, डिप्लॉयड ही होने चाहिए. एंड प्लांट्स में कब होता है, बेसिकली माइटोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, सेल डिवीजन में मियोसिस भी आएगा, यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही है. ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, वो हैप्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो, दोनों में करता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला पॉइंट याद है, वो टॉपिक याद है, उसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में ही सेल माइटोसिस हो रहा था, इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स. इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखना. ठीक है, प्लांट्स में हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स में दोनों में हो रहा है, और एनिमल्स में डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में हो रहा है सेल डिविजन. अब आता है एम फेज. अब ये इंटरफेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आता है हमारा एम फेज, उसको देखते हैं उसमें क्या हो रहा है. देखो हमने क्या पढ़ा अभी एम फेज के बारे में, कि एम फेज पहली बात तो ओनली 5% है, माइटोसिस हो रहा है, उसमें ही मेन सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का ग्रोथ, ये सब होकर. तो ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, सारा ड्रामा इसी में चल रहा है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है. ठीक है, किसका, सेल का. जो मेजर तुम्हारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है,
हमारा मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ सेल कंपोनेंट्स उसी टाइम पे होता है। देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन दी पेरेंट एंड प्रोजेनी सेम रहता है, नंबर ऑफ उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसी के लिए तो हम उसे बढ़ा रहे हैं कि जो आगे जाके उनको मिले तो उनको भी सिमिलर नंबर मिले। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी, सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी एंड इन पेरेंट सेम होता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब देखो माइटोसिस के फोर स्टेजेस होते हैं, जो मैं तुम्हें बता रही थी ऊपर कि हम फोर स्टेजेस पढ़ेंगे। अब पता है फोर स्टेजेस तो होते हैं बट इनमें ना न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन का ही फोर स्टेजेस है, अंदर चीज़ें क्या क्या वो कर रही हैं क्या नहीं कर रही, मतलब ये चीज़ मेन आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब ये पूरा प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कोई ना ऐसा मतलब एक होए जा रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेजेस एक साथ हो रही है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ठीक है। कोई क्लियर कट, नो क्लियर कट लाइंस बिटवीन वेरियस स्टेजेस, ठीक है। अब वो जो फोर स्टेजेस हैं वो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हमने एक एक करके देखना है कि इनमें हो क्या रहा है। चलो इससे पहले कि एक चीज तुम्हें दिखा देते हैं, देखो ये क्या बताया था मैंने कि तुम्हारा G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज है, ये सब तुम्हारे क्या है, इंटरफेज के पार्ट है। और तुम्हारी ये पूरी सेल साइकिल का वो है, तो इसमें जो ये जो M फेज का टाइम था वो तो सिर्फ कितना सा हुआ, 1 आवर, अगर मैं ये मान रही हूँ कि ह्यूमन सेल है, अगर मैं इसे ह्यूमन सेल समझ के वो कर रही हूँ जिसमें 24 आवर्स का सेल साइकिल होता है, उसमें से 23 आवर ये है, 95% ये है, बचा 1 आवर, 5% सिर्फ ये है, ठीक है। ये देखो ये तो तुम्हारा दो टॉटर सेल बन गया इसके बाद। अब अगर सेल तुम्हारा ये छोड़ के क्यूसेन फेस पे आ चुकी है कि चाहो तो तुम इसे वापस ला सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग, बट अभी ये नहीं, छोड़ चुका है ये मोहमाया, छोड़ चुका है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हमने ये फोर स्टेजेस देखी मेटाफेस के, कि फोर स्टेजेस होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो फोर स्टेजेस बच्चों कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। चलो प्रोफेज, तुम्हारे जो प्रोफेज होती है बेसिकली उसमें क्या क्या होता है,
इसमें क्या क्या हो रहा है तुम्हारे, ये पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेज है। चंदू भैया एक मिनट यहाँ का टाइम नोट करके इसको पॉज करना।
फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं ये बुक वुक साइड में दिख, भैया एक बार ये चेक करना, ये पेजेस साइड में पीछे करते हुए दिख रहे हैं क्या? अभी अभी ठीक है, मैं बोलती हूँ दोबारा। तो बच्चों प्रूफ फेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है हमारे मेटा एम फेज का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एम फेज के क्या होते हैं, फोर स्टेजेस होते हैं जिसमें प्रूफ फेज आया, ठीक है, मेटा फेज आया, एना फेज आया और टीलो फेज आया। इन चार फेजेस में क्या हो रहा है हम साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। एक बार मैं आपका ये डायग्राम ऐड ऑन कर देती हूँ इसमें, ताकि मैं उसके थ्रू भी आपको साथ साथ में दिखा सकूं कि हो क्या रहा है। देखो इंसर्ट, ये वाला, ओके, ये वाला एना फेज का आ गया। चलो ये वाला भी रखते हैं इधर। अभी फिलहाल हमें चाहिए प्रो फेज वाला पहले। थोड़ा दिक्कत दे भैया, ये टाइम नोट कर लेना जब भी मैं डायग्राम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। अरे यार, इससे अच्छा तो वही वाला था। वो चार्ज हो गया क्या भैया वाला आईपैड? कर लोगे आप इसको कनेक्ट इसमें? कोशिश करो और ये चीज़ भी आई जाए उसमें। वो पता है आपको कैसे होगा? उनको बुला लो या तो, बड़ी दिक्कत दे रहा है ये। चलो ये टाइम तो नोट कर लो जितने मैंने इसको ऐड किया है अभी जब शुरू करेंगे, ठीक है? मतलब जो टाइम अब से शुरू करना, सेकंड वाला।
ठीक है। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज़ पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट स्टेज है हमारी एम फेज़ का, ठीक है। एम फेज़ में हमारे प्रोफेज़ आया, मेटाफेज़ आएगा, एनाफेज़ आएगा, टीलोफेज़ आएगा। वो फेजेस हम एक एक करके सब कुछ अभी उनको पढ़ते हैं, उन सारे फेजेस को, ठीक है। अब देखो जो प्रोफेज़ होता है बच्चों, वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज होता है। बेसिकली हमारे जो सेल साइकिल है, जो उसका एम फेज़ का फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज कैसे, जो आपका जी एस फेज़ हुआ, जी टू फेज़ हुआ, किसका, इंटरफेज का। इंटरफेज के एस और जी टू फेज़ के बाद, बेसिकली जी टू फेज़ एस के बाद जो आपका एम फेज़ स्टार्ट हो रहा है, तो उस एम फेज़ में क्या स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेज। कौन सा, प्रोफेज। मतलब बेसिकली फर्स्ट स्टेज है किसका, कैरियोकाइनोसिस का, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस हमने क्या पढ़ा था, क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। अब देखो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, बट इसमें क्या होता है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो बना था, कहाँ बना था, एस में, एस फेज में जो न्यू डीएनए, देखो मिक्सअप मत कर लेना कि कौन सी चीज़ कब कहाँ बन रही है, सब प्रॉपरली याद रखना। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉर्म्ड हुआ था, कब फॉर्म हुआ ये मैं तुम्हें यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एस फेज में हो रहा है, यहाँ प्रो फेज में नहीं बना है वो, ठीक है, प्रो फेज में तो आगे हो रहा है बस। तो ये जो बना था वो डिस्टिंक्ट नहीं था, ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंड, मतलब जैसे कि मानो गुच्छे के फॉर्म में ऐसे ही था, प्रॉपरली डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टेज है, इस जो मेन मार्क्ड फीचर है स्टेज का, वो क्या है, इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसका, ऑफ क्रोमोसोम, या फिर ये बोल लीजिए क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जो सी है बच्चों, ये क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, जो ये एकदम वो पड़ा होता है, वो अनटैंगल होते हैं। जो गुच्छा था, मतलब मान लीजिए आपका धागे का गुच्छा या कुछ गुच्छा पड़ा हुआ है, या जो मांझा होता है उसके टाइम पे, संक्रांति के टाइम पे हम जो उलझ जाता है, वो गुच्छे के फॉर्म में था, अब वो अनटैंगल होगा, ठीक है, उसे प्रॉपरली अनटैंगल किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जो सेंट्रोमियर, जो आपका सेंट्रोमियर भी आपका डुप्लीकेट हुआ था, कब, जो सेंट्रोमियर आपका डुप्लीकेट हुआ था, एस फेज में, ठीक है। जो डुप्लीकेशन होना, नई चीज़ बनना, जो भी है वो सब यहाँ पे है। जो न्यू सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हुआ था, जो न्यू बना था, फिर वो क्या करते हैं, अब वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो कुछ भी पॉइंट आ सकता है कि ये चीज़ कौन से फेज में हो रही है, तो तुम्हें याद रखना है पॉइंट वाइज, मूव करता है टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। देखो जैसे ये तुम अर्ली प्रोफेज दिख रहा है, यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रॉपरली अब ये अनटैंगल हो रहा है, पहले गुच्छे के फॉर्म में था, ठीक है, अब ये प्रॉपरली इस तरीके से आ रहे हैं। और तुम देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे डिजॉल्व कर रही है, साफ दिख रहा है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट मेटाफेज है पढ़ेंगे, पर पहले ये देखते हैं पूरा। तो क्या क्या फीचर्स हैं जो अभी हमने प्रोफेज में आने हैं हमारे, द मेन फीचर, ठीक है, वो याद रखना, जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है, कि जो तुम्हारा क्रोमोसोम का मटेरियल है, जो तुम्हारा क्रोमोसोम का मटेरियल है वो कंडेंस करेगा और क्या बना लेगा, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। मतलब बेसिकली अभी तक वो सब अनटैंगल होके सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, अब वो क्या कर रहा है, वो कंडेंस होगा, ठीक है, कंडेंस होगा और कॉम्पैक्ट, मतलब एक प्रॉपर तरीके से ये बना लेगा, इस तरीके से बना लेगा, ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस और कॉम्पैक्ट हो जाता है, माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है। फिर जो दो क्रोमोसोम होंगे, टू अटैच टुगेदर,
ठीक है, दो बने टू अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। तुम्हें याद है जो हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा है न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस के जो अंदर पढ़ा था कि सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, वो सब चीज़ें। तो बेसिकली इस तरीके से देख लो, अगर ये है तो ये ऐसे, ये जो सेंट्रोमियर के इधर अटैच्ड है, और फिर ये सेंट्रोमियर अगर है तो ये काइनेटोकोर्स वाला पोर्शन है इसका, जहाँ पे अभी स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। विल डिस्कस अबाउट दिस, बट ये देख लो फिलहाल, ठीक है। तो ये दो अटैच होते हैं एट दी सेंट्रोमियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, जो इनके अंदर है कि जो सेंट्रोसोम है एक मिनट रुकना, एक चीज़ बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि सेंट्रोसोम यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोफेज है वहाँ पे तुम्हारा जो सेंट्रोसोम है, हाँ मुझे वही याद आ रहा था, मैंने ये चीज़ यहाँ पे सेंट्रोमियर लिख दिया। ये जो है बच्चों सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोमियर तुम्हारे क्रोमोसोम पे वो अटैचमेंट है, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम याद है, और सेंट्रोसोम था उसमें दो सेंट्रियोल्स थे, वो डिवीजन के टाइम पे हेल्प कर रहा था, तो ये सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेटेड जो कि एस फेज में हुआ है। सडनली यहाँ पे बोलते हुए चीज़ याद आई, ठीक है। जो सेंट्रोसोम है तुम्हारा ये मूव करेगा, मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। अब ये जो ईच सेंट्रोसोम है तुम्हारा, ईच जो है रेडिएट करता है फाइबर्स को, रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही तो काम था हमारा इसका, जो हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स हैं और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सब चीज़ें। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं, एस्टर, याद रखना ये, ठीक है, कि एस्टर्स कहते हैं। और जो टू एस्टर्स हैं वो टुगेदर क्या बनाते हैं, टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, जो तुम्हारा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहा है और फिर तुम्हारा स्पिंडल फाइबर आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, माइटोटिक का अपैरेटस बना लेंगे, जो माइटोसिस बेसिकली जो तुम्हारे, अभी तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या काम है इसका, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब जो सेल है एट द एंड ऑफ, देखो थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, जो सेल है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द एंड, देखो ये सारे पॉइंट्स मैं रेड में लिख रही हूँ बिकॉज ये सारे पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए कि एट द एंड ऑफ द प्रोफेज में कोई गॉल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता। जब तुम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो ना तुम्हें कोई गॉल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ना तुम्हें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना तुम्हें कोई न्यूक्लियोलस दिखेगा, ना ही तुम्हें कोई नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी। ये तो हमने देख ही लिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो, एनवेलप बोल लो। अब नेक्स्ट क्या है, तुम्हारी मेटाफेज है, देखो मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में ये हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, वो तो तुम्हें ऊपर वैसे भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे वैसे भी तुम्हें नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया था, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, कॉम्प्लेक्स सॉरी क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आगे और क्या हो रहा है, तुम्हारे कंडेंसेशन कंप्लीटेड, तुम्हारा जो कंडेंसेशन होना था वो कंप्लीट हो चुका है। याद रखो ये पॉइंट्स कि किस में कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, किस में स्टार्ट हुआ, किस में क्या हो रहा है। अब कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो मॉर्फोलॉजी होती है कि तुम्हारे क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे ऑफ क्रोमोसोम, तुम यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, मोस्ट ईजीली स्टडीड, यहाँ पे मोस्ट ईजीली स्टडीड होते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्रोमोसोम है, Mm-mm.
जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हेल्ड टुगेदर, साथ में जुड़े हुए हैं कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे, जो चीज़ हमने पहले भी देखी, मैंने बताया था आपको, आपको होपफुली वो डायग्राम याद हो कि हमने जो तुम्हें जब हमने पहला मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ये सब हम पढ़ रहे थे, रफ आइडिया ऑफ डायग्राम दे रही हूँ कि ये सेंट्रोमियर जहाँ पे तुम्हारे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, या फिर इस तरीके से अगर हम बनाएं थोड़ा, ये सेंट्रोमियर जहाँ पे तुम्हारे वो दो वो जुड़े हुए हैं, ये तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ये वो सेंट्रोमियर है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। अब देखो इन सेंट्रोमियर पे क्या होता है, काइनेटो कोर्स होते हैं दोनों साइड पे, काइनेटो कोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ये सेंट्रोमियर है इस तरीके से, तो इसके दोनों साइड पे काइनेटोकोर्स होंगे, ये एक काइनेटोकोर्स होगा, ये एक काइनेटोकोर है, ठीक है। अब इन काइनेटोकोर पे क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर हम पढ़ रहे थे ना, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, मतलब एस्टर्स निकल रही है, माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हेयर एट क्रोमोसोम, मतलब बेसिकली सेंटर पे, मतलब तुम्हारा जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पे आ चुका है, अभी दिखाएंगे डायग्राम में, क्रोमोसोम तुम्हारा सेंटर पे आ चुका है, वहाँ पे तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं उससे आके, ठीक है। चलो दिखाते हैं तुम पहले डायग्राम में, देखो ये ट्रांजिशन एट मेटाफेज, ये जो तुम्हारी माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो निकली हुई है, ये सब जो तुम्हें दिख रहा है वो तो क्या हो गया, एस्टर, और ये तुम्हारी ये जो निकले आगे वो क्या है, तुम्हारा स्पिंडल फाइबर, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे एस्टर्स हो गए, ये सब तुम्हारे एस्टर्स हो गए, ठीक है, और ये जो निकला हुआ है उससे वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ये सब, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे अटैच्ड हैं वो कहाँ पे अटैच्ड हैं, ये जो प्लेस है तुम्हारी क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर पे अटैच है, और काइनेटोकोर कहाँ पर होता है, सेंट्रियोमियर पे। देखो ये एक साइड से यहाँ से अटैच्ड है, एक साइड से यहाँ से अटैच्ड है, तो बेसिकली तुम्हारी दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो तुम्हारे इक्वेटर पे, अभी तुम्हारा इक्वेटर पे आके लाई करेगा, देखो ये तुम्हारे सारे के सारे ये चीज़ है ना, इक्वेटर पे आके जम चुकी है, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे आके इक्वेटर पे जम गई, तो जो हर एक क्रोमेटेड है, एक क्रोमेटेड ये वाला, एक क्रोमेटेड ये वाला, क्रोमेटेड वन और एक क्रोमेटेड ये वाला टू वाला, ठीक है, ये कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर से, इनसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, ये एस्टर्स है, देखो तुम्हें बच्चों दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली कंडेंस हो चुके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं हमें, ऊपर की साइड हम देखते हैं प्रोफेज में नहीं दिख रहे हैं ये इतने अलग से, ये इतने क्लियरली नहीं मार्क्ड है इसमें, पर नीचे आता है तो तुम देखोगे मेटाफेज में एकदम क्लियरली मार्क हो चुके हैं, तो ये तुम्हारा स्पिंड एस्टर्स हो गए, ये तुम्हारे स्पिंडल फाइबर हो गए, ये तुम्हारे अटैच्ड है दोनों क्रोमेटेड से, एक के दो क्रोमेटेड से, क्रोमेटेड के ऊपर क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर कहाँ पर है, सेंट्रोमियर पे है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, एक इस साइड के पोल पे, एक इस साइड के पोल पे, दोनों अलग अलग ऐसे पोल्स पे, ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पोल पे अटैच्ड है, और एक साइड यहाँ पे, ये अपोजिट पोल पे, और एक साइड ये यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये अलाइनमेंट हुआ है, इस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे इक्वेटर के ऊपर, ये जो तुम्हारा इक्वेटर है बेसिकली है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे जो ये अलाइनमेंट हुआ है इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, क्या बोलते हैं उसको, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं,
वन सेकेंड बिजो समझ में आई सारी बातें जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं हेयर एट क्रोमोसोम एट सेंटर पे, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हम वो याद रखते हैं इसके, जैसे हमने उसके पढ़े, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछ लेते हैं फिर बोलते हैं कि ये किस में हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्रोमोसोम क्या है, इक्वेटर पर आ चुका है, एट इक्वेटर विद वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम का जो एक क्रोमेटेड है, पूरा एक क्रोमोसोम है वो, देखो ये वाला, ये क्रोमोसोम पूरा, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, इस पे ये तुम्हारे एक क्रोमेटेड ये वाला, एक क्रोमेटेड ये वाला, तो इसमें कनेक्टेड है ईच क्रोमेटेड, कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्टेड है, पोल से, ठीक है। अब मेन चीज जो ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का, एट इक्वेटर प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। समझ में आया, कोई डाउट इस चीज में? मैंने तुम्हें डायग्राम के थ्रू भी बता दिया और इसके थ्रू भी बताने की कोशिश करी ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। होप तुम्हें इसमें कोई अब डाउट ना रहे। ऐसे सेल साइकिल इट्स नॉट दैट टफ चैप्टर, ईजी सा चैप्टर होता है। इट जस्ट दैट थोड़ा बहुत अगर तुम्हें कोई चीज़ पे तुम्हें अटक जाते हो, तुम किसी डायग्राम मतलब डायग्राम में बोल लो या तुम इसमें बोल लो कि ये लाइन क्या है, तो होपफुली तुम्हारी वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो और क्या पॉइंट्स है इसमें, कि तुम्हारा जो स्पिंडल फाइबर है बेसिकली, ये जो अभी हमने थ्योरी में जो ऊपर पढ़ा वही ये पॉइंट हमने शॉर्ट में करके नीचे ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं उससे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं अटैच होते हैं, मतलब ये हम ये लिख रहे हैं इस फेस का सार, कि इस फेस में क्या हुआ। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और जो क्रोमोसोम है वो मूव करते हैं, मूव टू इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट मेटाफेजिक प्लेट थ्रू, क्या थ्रू, स्पिंडल फाइबर्स। अब देखो ये जमाया क्यों है, अब खींचा जाएगा इसको, वो रस्सी वाला गेम होता है ना, रस्सी खींचने का, सब लोग अटा, यहाँ पे एक लाइन आ गई, यहाँ एक लाइन आ गई, बीच में इनके रस्सी आ गई, अब ये रस्सी को खींचेंगे, तो ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, बीच में इसके ये क्रोमोसोम हो गया, ये इसको इधर खींचेगा, इस वाले को इधर खींचेगा, अलग अलग करेंगे इसको अब ये लोग। अब वो अलग अलग करना कहाँ पे आएगा, एनाफेज पे, तो चलते हैं, चलो एनाफेज की तरफ। नेक्स्ट फेज कौन सी है, एनाफेज, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम एट प्लेट जो है, जो ईच क्रोमोसोम था मेटाफेजिक प्लेट पे है, जो इक्वेटर पे तुम्हारी प्लेट है, वो स्प्लिट करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। और फिर क्या बन, जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं, टू डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं किसके, दो क्रोमोसोम के, ठीक है, दो क्रोमोसोम थे, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये चार चार इस तरीके से लगे हुए थे ना, तो जो उसके दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, टू डॉटर क्रोमोसोम और फ्यूचर टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ठीक है,
मतलब ये एक क्रोमोसोम जो है उसका था ना, और वो क्रोमोसोम तुम्हारे डॉटर उसमें जाएगा, तो एक बेसिकली एक क्रोमेटिड कहाँ जाएगा, एक क्रोमेटिड कहाँ जाएगा, देखो लेट्स गो थ्रू द डायग्राम ऑफ दिस टू। इट्स बेटर कि पहले डायग्राम समझा दिया जाए फिर उसके बाद तुम्हें इजी हो जाएगा। देखो ये जो यहाँ पे ये अलाइंड था पूरा, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 थे, तो एक क्रोमेटिड इधर की साइड आया, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे करके ये पूरा हुआ है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आएगा टीलोफेज आएगा, वो भी मैं डायग्राम दिखा देती हूँ तुम्हें अभी ही। एक मिनट बच्चों, देखो टीलोफेज में क्या हो रहा है, ये अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं, जो क्रोमोसोम का मटेरियल था ये अपोजिट पोल पे जा चुका है। अब यहाँ पे ये पूरा डीकंडेंस भी हो चुका है, जो अभी कंडेंसेशन हुआ था प्रॉपर दिख रहा था, अभी सब वापस से डीकंडेंस हो गया, फैल गए ऐसे, ठीक है, टीलोफेज में। और फिर ये इंटरफेज के टाइम पे, मतलब तो इंटरफेज आ गया दोबारा से, टीलोफेज में यहाँ पे यहाँ पे तो न्यूक्लियर तुम्हारा डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनोसिस ख़त्म हो गया, इसके बाद तुम्हारा साइटोकाइनोसिस भी हो जाता है जब तुम्हारे वो सेल्स दो में डिवाइड हो चुके हैं। फिर इसके बाद क्या आया है, इंटरफेज आया है, ठीक है। चलो इसके थ्योरी पे चलते हैं हम दोबारा से, एनाफेज की। बड़ा दिक्कत है इसको, तो हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। अच्छा ये रहा, इसीलिए मैंने तुम्हें डायग्राम पहले वहीं समझा दिया ऊपर, ठीक है। अब एनाफेज हम पढ़ रहे थे, हमने देखा इसमें माइग्रेट कर गई अपोजिट पोल पे, तो अब क्या हो रहा है, ईच क्रोमोसोम जो है, ईच क्रोमोसोम तुम्हारा मूव अवे करता है, वही जो पोल पे गया वही बात बोल रही हूँ, मूव अवे फ्रॉम मेटाफेजिक प्लेट या फिर फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट से वो अलग चला गया। तो सेंट्रोमियर था तुम्हारे ईच क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर था तुम्हारे ईच क्रोमोसोम का, वो तुम्हारे पोल के साइड पे जाएगा, ठीक है, टूवर्ड्स पोल जाएगा, टूवर्ड्स पोल जाएगा, और वो क्या बनाएगा, लीडिंग एज। क्या लीडिंग एज बनाएगा विद आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। देखो ये जो तुम्हारा इक्वेटोरियल पे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका जो सेंट्रोमियर है ये इधर की साइड जा रहा है, इसका जो सेंट्रोमियर है वो अपोजिट पोल्स की साइड जा रहा है, तो ये सेंट्रोमियर और जो ये टेल्स हैं वो पीछे की साइड पे आ रही है, वो पीछे पीछे करती भी आ रही है पर सेंट्रोमियर सबसे आगे जा रहा है, तो ये लीडिंग एज बना रहा है, ठीक है, समझ में आया, क्या कर रहा है ये, लीडिंग एज बना रहा है। अब देखो ये चीज़ हो गई, अब जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करता है इन क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, स्प्लिट कर जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट
एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे. ओके, फिर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, तुम्हारे मूव करेंगे अपोजिट पोल पे. क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स. यही हुआ यहाँ पे. इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है, कि हम एनाफेज में चीज़ हुई क्या. अब आते हैं हम टीलोफेज पर, जो मैं तुम्हें ऊपर डायग्राम दिखा चुकी थी. टीलोफेज ये क्या है, फाइनल स्टेज है किसकी, कैरियोकाइनोसिस की, ठीक है. तो बच्चों, तो हम क्या देख रहे थे इसमें, भैया स्टार्ट कर लेना टाइम. तो बच्चों देखो, हम क्या देख रहे थे कि टीलोफेज क्या है, हमारी फाइनल स्टेज है. अभी तक हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सब देखा, कि प्रोफेज में हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है. और फिर मेटाफेज में हमने देखा कि वो इक्वेटर पे आ रहे हैं, एनाफेज पे हमने देखा कि वो इक्वेटर पे से खींच पे पोल्स पे जा रहे हैं. अब आता है हमारा टीलोफेज, इसमें क्या हो चुका है, तुम्हारा क्रोमोसोम इक्वेटर पे पोल्स पे आ चुका है, ठीक है. इसमें क्या हो चुका है, तुम्हारा क्रोमोसोम जो है वो पोल्स पे आ चुका है. अब पोल्स में आने के बाद मैंने तुम्हें अभी डायग्राम में दिखाया था कि वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो चुका है, कि अभी तक वो प्रॉपर दिख रहा था डीकंडेंस, अब वो नहीं दिखेगा. वो अपनी लूज़ कर देता है आइडेंटिटी, लूज़ इंडिविजुअलिटी, कि एक से पहले सिर्फ एक 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 ऐसे करके था ना, अब वो वैसे नहीं रहेंगे. यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअलिटी लूज़ कर दी है. तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है तुम नहीं देख सकते हो, नो लॉन्गर सीन इंडिविजुअल क्रोमोसोम, नो लॉन्गर सीन, ठीक है. अब जो ईच सेट ऑफ तुम्हारा क्रोमेटेड मटेरियल था वो पूरा अनटैंगल हो चुका है, वो पोल्स पे आ चुका है, पर वो तुम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कि ये एक दो तीन चार ऐसे नहीं कर सकते. ईच सेट ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल तुम्हारा कलेक्ट हो चुका है पोल पे, कलेक्टेड ईच ऑफ टू पोल्स, ठीक है. जो क्रोमोसोम होता है तुम्हारा वो क्लस्टर कर जाता है सिंगल स्पिंडल पोल्स एंड लॉस आइडेंटिटी एज अ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स. जो बात है कि उसने क्या किया, तुम्हारा क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके, मतलब पोल्स पे जा चुके हैं अलग अलग, एंड अब वो अलग हो चुके हैं बेसिकली, ठीक है. और वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी भी लूज़ हो चुकी है, तुम नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 करके, द सेम थिंग, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप जो अराउंड क्रोमोसोम, अब ना तुम्हारा वो जो अलग अलग हो चुका है, तुम्हारा क्रोमोसोम ना अलग अलग होना चालू हो चुका है. तो ये अलग जा चुका है और ये अलग जा चुका है, ठीक है. तो वहाँ पे उसके अराउंड, इन दोनों के अराउंड न्यूक्लियर एनवलप दोनों के अराउंड आएगा, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियर एनवलप डेवलपमेंट स्टार्ट, ताकि तुम्हारा वहाँ पे दो न्यूक्लियस में वो अलग अलग हो जाए, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप स्टार्ट अराउंड, ठीक है, अराउंड कहाँ पे, एट ईच पोल, अराउंड क्रोमोसोम एट ईच पोल, ठीक है. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके बाद टू डॉटर न्यूक्लियर बन जाएगा, अलग अलग हो गई वो चीज़, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लियोलस वापस आएगा, तुम्हारे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एंड तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो बनना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि देखो ये तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी दो दूसरा न्यूक्लियर टू डॉटर न्यूक्लियर बन चुके हैं, ये इसलिए आ रहे हैं वापस कि भाई अब इनको अलग अलग में, मतलब तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी अलग करना है. तो कुछ इसमें जाए, कुछ इसमें जाएगा, कुछ कुछ नहीं, बेसिकली इसमें भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, इसमें भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी पूरे आएंगे इसमें, उसमें भी पूरे आएंगे, ठीक है. तभी तो प्रॉपर पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है. ओके शिट, एक मिनट, ठीक है. तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, समझ में आई ये बात. अब देखो साइटोकाइनेसिस,
तुम्हारा सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करके या सिर्फ कैरियोकाइनोसिस करके तुम्हारा एम फेज खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सेल का डिवीजन होगा तभी तो दो सेल, टू डॉटर सेल निकलेंगे वहाँ से। सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन करने से तो नहीं निकल जाएंगे ना। तो अब होता है साइटोकाइनोसिस, इसे क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, बेसिकली सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तुम्हारा साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और सेल डिवीजन यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हुआ भाई, जो सारा काम था ख़त्म हुआ। ये इसके अंदर न्यूक्लियस अलग आ गया, ये इसके अंदर अलग न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे, अब हमने ये तो देख लिया पूरा कैरियोकाइनोसिस कैसे हो रहा है, अब हम ये तो देखें साइटोकाइनोसिस कैसे हो रहा है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, देखो एनिमल सेल में अलग तरीके से होगा, प्लांट सेल में अलग तरीके से होगा। एनिमल सेल में क्या होता है, जो तुम्हारी बेसिकली देखो ये टीलोफेस का न्यूक्लियस, यहाँ पे तुम्हारा ये दो न्यूक्लियस अलग अलग हो चुके हैं। अब जो तुम्हारा एनिमल सेल है इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके बच्चों, एक मिनट बच्चों, तो ये तुम्हारा टीलोफेस का वो है, इसमें अब तुम्हारी ये साइटोप्लाज्म में जो तुम्हारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइड में, इसमें क्या है, फरो बन रहा है, ये बेसिकली ये क्या बन रहा है, फरो काइंड ऑफ होल इस तरह से बन रहा है। अब ये क्या होगा, मिड में जाता जाएगा, मिड में गया और गया, फिर इसने सेंटर में आके टच हो गया। अब इससे क्या हुआ भाई, ये सेंटर, ये अलग निकल गया और ये अलग निकल गया, ओके। तो ये एनिमल सेल में हो गया, क्या हुआ एनिमल सेल में, फरो बना, फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, ठीक है, वो डीपन हुआ अंदर जाके, ग्रेजुअली डीपन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, एक घंटे में ही करना है सारी चीज़ें, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे कर रहा है वो, ठीक है, ग्रेजुअली डीपन कर रहा है और ज्वाइन कर रहा है जाके सेंटर पे, सेंटर पे ज्वाइन कर गया, सेंटर से कट हो गया, तो बस अंदर क्या बन गया फिर, टू डॉटर सेल बन गया, टू डॉटर सेल भाई, बात खत्म, साइटोप्लाज्म अलग हो गया, टू डॉटर सेल बन गए, या टू यहाँ पे ज्वाइन सेंटर और साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया, इसका सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, मैंने डायरेक्टली टू डॉटर सेल लिख दिया, बट फिलहाल का बात यह कि यहाँ पे दो साइटोप्लाज्म अलग हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे हो रहा है, आपको पता है जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्सटेंसिबल है ये, कि टूट नहीं सकती, ठीक है, सेल वॉल क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो भाई अब सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल है, बहुत मोटी ताज़ी सी ये है, मतलब मोटी सी है, तो ये टूटने से तो रही, यहाँ तो फरो बनने से रहा, तो अब सेल ये वाले क्या करते हैं, ये बीच में से सेल वॉल बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ से सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, फिर ये लाते 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 यहाँ तक ला जाते हैं एट द एंड तक, फिर यहाँ से डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, फिर ये अलग, ये तोड़ देते हैं ऐसे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो भाई ये चीज़ हो गई, सेंटर से आउट में ग्रो, मतलब इन्होंने कहाँ पर ग्रोथ करी है, सेंटर से आउटवर्ड पर ग्रो करी है, ओके, सेंटर से आउटवर्ड पे ग्रो करी है, फिर कहाँ पे जाके मिल गए, लेटरल वॉल, जो बेसिकली ये वॉल्स थी, लेटरल वॉल्स, वहाँ पे जाके मिल गए। अब जो फॉर्मेशन हुआ न्यू सेल वॉल का, वो बिगिन कर जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस, ठीक है, न्यू सेल वॉल बन गया यहाँ पे, ठीक है, और विद द फॉर्मेशन ऑफ क्या, सिंपल प्रीकर्सर विद द फॉर्मेशन, अब वो सिंपल प्रीकर्सर क्या होता है, विद द फॉर्मेशन, देखो हर चीज़ का एक प्रीकर्सर होता है जिससे कि कोई चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे भी वो है, तो विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल, विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर, ठीक है। अब वो प्रीकर्सर कौन सा होता है, सेल प्लेट,
ये सेल प्लेट तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था मिडिल लेमिला, बताया था कि मिडिल लेमिला होता है, तो वो जो ये प्रीकर्सर सब जो बन रहा है ना सेल प्लेट, वो मिडिल लेमिला का ही है। हमने पढ़ा था मिडिल लेमिला का फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो मैं तुम्हें कहा भी था ये चीज़ें तुम सारी बाद में पढ़ोगे। तो ये कहाँ था मिडिल लेमिला, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल था, बिटवीन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, बिटवीन वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट अब देखो सेल, ये तुम्हारा साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब बेसिकली तुम्हारा दो डॉटर डॉटर न्यूक्लियाई है ना, अलग अलग वो हो रहा है, तो ऑर्गेनल्स जो बनेंगे वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑर्गेनल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों सेल में दोनों मटीरियल हर टाइप के क्रोमोसोम होना ज़रूरी है, तभी तो प्रॉपर सेल बनेगा। तो ऑर्गेनल्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू डॉटर न्यूक्लियस में, टू डॉटर सेल्स में बेसिकली, ठीक है। अब कुछ कुछ क्या होता है, यहाँ तो तुम्हारे कैरियोकाइनोसिस के बाद हाथों हाथ साइटोकाइनोसिस हो गया, ठीक है, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस गया, एक सेल में एक न्यूक्लियस गया। कुछ कुछ होते हैं जिनमें कैरियोकाइनोसिस के बाद हाथों हाथ कैरियोकाइनेसिस के बाद हाथों हाथ साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तुम चाहो कि हाथों हाथ साइटोकाइनेसिस हो जाए, नहीं होता है, तो इससे क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, ठीक है, या यूँ बोल लो फॉर्मेशन होता है सिंसाइटियम का, फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का, एग्जाम्पल क्या है इसका, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट या इन कोकोनट, ठीक है, समझ में आई ये चीज़ तुम्हें, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया हो कि हमने पूरा क्या पढ़ा हुआ, कि टीलो हमने प्रोफेज एनाफेज टीलोफेज सब कुछ कर लिया। सॉरी बच्चों फॉर दिस इनकन्वीनियंस, मुझे भी दिक्कत हो रही है काफ़ी इस चीज़ से, लिटरली, ठीक है, तो हमने तुम्हारी सारी फेसेस डिस्कस कर ली। इफ़ यू वॉन्ट दीज नोट्स ना बच्चों, कि ये शॉर्ट में कैसे मैम लिखा है, हम बीच में लिख नहीं पाए, तो हमें चाहिए ये चीज़, तो लेट मी नो, आई विल जस्ट शेयर इट टू यू, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसके थ्रू, तुम्हें मिल जाएंगे वो, नो वरीज, बस पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आई हैव ट्राइड कि इसमें सारा एन सी आर टी भी कवर हो, एंड मिनिमम टू मिनिमम हो, कि भाई तुम्हें जब एग्ज़ाम हो तो तुम फटाफट से रिवाइज कर सको। इफ़ यू डोंट हैव एन योर पर्सनल नोट्स, तो यू कैन यूज़ दिस, बहुत प्रिसाइज से बना रखे हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होगी एनिमल्स में कैसे हो रहा है, प्लांट्स में कैसे हो रहा है, समझ में आ गया तुम्हें, एनिमल्स में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसकी मेम्ब्रेन जो है उसमें फरो बन रहा है, और प्लांट में सेल वॉल थोड़ा थिक सा है, बहुत वो है, तो उसमें तो नहीं हो पा रहा है। अब चलो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, कहाँ कहाँ काम आ रहा है माइटोसिस तुम्हारे। हमने देखा एनिमल्स में तो माइटोसिस क्या है, डिप्लॉइड में हो रहा है, ओनली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है, पर प्लांट्स में क्या होता है, या लोअर प्लांट्स में बेसिकली तुम देखोगे तो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, दोनों में माइटोसिस हो सकता है, ठीक है, दोनों में ही माइटोसिस उसमें हो सकता है। अब बताओ माइटोसिस कहाँ कहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमने देखा था स्पोरोफाइटिक जनरेशन है या गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, उससे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये बहुत असेंशियल है हमारे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मियोसिस, उसका भी सिग्निफिकेंस अपना अलग है, इसका भी सिग्निफिकेंस है अपना अलग। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एपिडर्मल लेयर है, या तुम्हारा
ब्लड सेल है या तुम्हारे कोई भी इंजरी हो रही है इंटरनल लाइनिंग्स में, तो अगर वो इंजरी हो जा रही है तो रिप्लेस कौन करेगा? वो जो लॉस्ट सेल्स हैं, वो जो तुम्हारे सेल चले गए वहाँ से इंजरी की वजह से, वो वापस कैसे आएंगे? वो आएंगे वापस माइटोसिस के थ्रू ही, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कोई ये नहीं करना कि तुम्हें ये चीज़ें जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होना है वहाँ पे, वो तुम्हारे सिर्फ इंजरी ग्रोथ करने के लिए यूज़ होना है या तो या तुम्हारे लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होना है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, ठीक है। और इससे तुम्हारे दो टू डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, तो तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है कि दो से चार, चार से आठ, ऐसे बन रहा है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो भी आइडेंटिकल होता है, जैसा था वैसा ही होता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल होता है इन टू डॉटर सेल्स, ठीक है। समझ में आई ये बात? सेल ग्रोथ में काम आ रहा है ये तुम्हारे, और सेल ग्रोथ इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने में, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने में या रिपेयर करने में किसी चीज़ को, वहाँ पे ये काम आ रहा है, ठीक है। सेल ग्रोथ में तुम्हारे क्या हुआ, जो तुम्हारा मटेरियल होता है तुम्हारा, अगर बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो रीस्टोर करना होता है ना, वो भी तुम्हारे इससे हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखना, इन रीस्टोरिंग रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अगर वो बिगड़ जाता है किसकी वजह से, इन बार बार जो डिविजन्स हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से अगर वो बिगड़ जाएगा तो उसे सही करने में, ठीक है, तो रिस्टोर करते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म लिखा है, या फिर इसको किस तरह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में। क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी तुम नोट कर लेना, ठीक है। और तुम्हारी एपिडर्मल लेयर हो गई या किसी भी लेयर को सेल को रिपेयर करने में या रिप्लेस करने में, ठीक है। अब जो तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनमें भी तो यही डिवीजन होता है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट में, जो कि तुम्हारे कहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हो गया या लेटरल मेरिस्टेम्स हमने पढ़े थे, इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स पढ़े थे, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स पढ़े थे, और जो थ्रू आउट द ग्रोथ तुम्हारी चलती रहती है प्लांट्स में, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, इन सब में क्या होता है, माइटोसिस ही हो रहा होता है बच्चों, ठीक है। समझ में आई बात? गॉट इट? आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा पूरा माइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस, ओके। चलो बच्चों, अब हमारा जो हमें नेक्स्ट पढ़ना था वो क्या है, मियोसिस। अभी हमने देख लिया माइटोसिस, देखा क्या क्या हो रहा था माइटोसिस में। माइटोसिस में आपका इंटरफेज हुआ या एम फेज हुआ, एम फेज में बेसिक माइटोसिस हो रहा है, जो सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इंटरफेज मियोसिस में भी है, मतलब सेल साइकिल में इंटरफेज और एम फेज इस तरीके से, ठीक है। एम फेज वहाँ पे माइटोसिस, और उसमें प्रोफेज, हमारा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब देखा। वही स्टेजेस यहाँ पर भी हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो मियोसिस वहाँ पे वो इक्वेशनल डिवीजन था, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये रिडक्शन डिवीजन है, ये है रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। अब देखो कैसे, जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं बेसिकली वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो ये जो गैमेट्स होते हैं ना बच्चों, वो हैप्लॉइड होते हैं, ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, इनका जो क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है हाफ। जो डिप्लॉइड सेल्स है इसमें 2n होता है। तो ये जो गैमेट्स बने ना बच्चों, ये मियोसिस से ही बने हैं। तो बेसिकली जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है,
तो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। गैमेट्स क्या क्या हो सक क्या क्या होते हैं? मेल गैमेट में तुम्हारा स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट में क्या हो गया? एग हो गया। तो ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो क्या बना लेते हैं? जाइगॉट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग है वो जाइगॉट। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने डिडक्शन डिवीजन इसको बोला, वो क्यों बोला है? क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल काइंड का डिवीजन है जिसमें तुम्हारे क्रोमोसोम नंबर को ये हाफ कर देता है। सी, 2n से n हुआ, 2n से n हुआ, क्रोमोसोम नंबर जो है आपका हाफ हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया इसे? हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गया। देखो ये किस काम आता है? तुम्हारे बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पे काम आता है कि डिप्लॉइड सेल से वो गैमेट्स बना सकें। ठीक है, और फिर ये गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा, तो वापस से ये डिप्लॉइड तो हो जाएंगे। बट मानो अगर ये डिप्लॉइड से मतलब ये 2n से तुम्हारा n नहीं बन पाता तो क्या होता? तो ये जब दो ऐसे गैमेट्स आते हैं, भले चलो इनमें भी इनमें 2n ही होता, तो ये मिलके क्या बना लेते? 4n बना लेते। फिर 4n, तो फिर ये 4n, फिर 8n, ये सब बनता रहता, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि हम इस तरीके से कर सकें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को रिस्टोर करता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इट इंश्योर्स हैप्लॉइड फेस इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है रीस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज उसके बाद। ठीक है, अब जो तुम्हारे गैमेट्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ही तुम्हारे क्या हो रहा है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, के क्या बन रहे हैं? हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो मियोसिस में होता क्या है? यहाँ पे टू सिक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं। जैसे वहाँ पे सिर्फ एक था ना, सिर्फ एक माइटोसिस था, ठीक है, एक एम फेज था। यहाँ पे मियोसिस वन अलग है, मियोसिस सेकंड अलग है। देखेंगे दोनों में क्या हो रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट साइकिल सेम है, जैसे कि वहाँ पे उसमें था वैसे ही। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना है, कि अलग अलग कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो प्रो फेज है मियोसिस फर्स्ट का, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा लंबा है, बाकी सब सेम है। अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, ट्राई करना यहीं पे लर्न हो जाए तुम्हें कि क्या क्या हो रहा है, किस किस फेज़ में। इसी से क्वेश्चन आता है कि किस फेज़ में क्या हो रहा है, और ये चीज़ हुई तो किस फेज़ में हुई। टू सिक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन, मियोसिस वन, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, बट सेल, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन दो बार हुआ, बट ये चीज़ याद रखना कि ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली सिंगल टाइम हो रहा है। ठीक है, अब देखो मियोसिस वन में क्या होता है, जो पेरेंटल क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब मियोसिस वन में ही रेप्लिकेशन हो गया, और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स रेप्लिकेट कर रहा है, तो प्रोड्यूस करने के लिए टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, प्रोड्यूस सिस्टर क्रोमैटिड्स इट एस फेज, जो उसका एस फेज होगा। मियोसिस वन में भी तुम्हारा इंटरफेज आएगा, ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरफेज आएगा, वहाँ पे एस फेज आएगा, तुम्हारे जो रेप्लिकेशन हुआ क्रोमोसोम का वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पर ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस वन के बाद तुम्हारी जो स्टेज आएगी वो इंटरकाइनेसिस आएगी।
ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मियोसिस सेकंड आएगा। तो दो साइकिल के बीच में तो मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड में इंटरकाइनेसिस आई, उसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद तुम्हारा इंटरफेज आया है। उस इंटरफेज में तुम्हारे क्या हुआ है, ये हुआ है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, मियोसिस फर्स्ट, पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड एट टू प्रोड्यूस replicated to produce sister chromatids. At S phase, ठीक है। अब जो तुम्हारी इस चीज़ का इस meiosis में क्या ऐसी चीज़ है जो अलग है, बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनका पेयरिंग होता है और फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिकॉम्बिनेशन होता है, वो अपना मटीरियल एक्सचेंज करते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से इसमें क्या हो रहा है, पर ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर कि पेयरिंग होती है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, पेयरिंग होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। उसके बाद फोर हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। कब बनते हैं? देखो मियोसिस वन में एक सेल था, उससे दो बने, फिर जो मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ, जो ये दो हैं उससे आगे चार बने, ठीक है, इसीलिए क्या बना, फोर हैप्लॉइड। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस या आप ओजेनेसिस देखते हैं, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि फोर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं लास्ट में, फोर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड। हर एक चीज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट होता ही है, जैसे कि पहले किसी में प्रॉब्लम आ रही थी, अब यहाँ है इसमें तो नहीं। फोर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड एट एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। ये सिर्फ मैंने मियोसिस आपको ब्रीफ किया है यहाँ पे कि मियोसिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मियोसिस बेसिकली उसमें क्या है, ठीक है। अब देखो मियोसिस में तुम्हारी मियोसिस वन और मियोसिस टू है, तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। अब इनके अंदर भी जो फेजेस है ना, सेम नेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो वन बेसिकली फर्स्ट का ही है, इसमें भी प्रोफेज सेकेंड, ये सेकेंड वाला है, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और यहाँ पे टीलोफेज सेकेंड होगा। बेसिकली ये जो प्रोफेज वन है यही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा, लॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज कर लो या माइटोसिस का प्रोफेज कर लो, उन सबसे कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ये वाला और लॉन्गर है, यही इसी में चेंज है तुम्हारे, इसी में चेंज है, बाकी सब चीज़ें तुम्हारी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगी माइटोसिस से, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द मियोसिस फर्स्ट फेज, और यही तुम्हारे लर्निंग पार्ट, इसी में तुम्हारे लर्निंग वाला ज़्यादा है कि तुम्हारे क्या क्या हो रहा है इसकी भी फेजेस में, इसकी भी स्टेजेस में, ठीक है। अब देखो प्रोफेज, प्रोफेज वन एज आई सेड कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा लॉन्गर है इन कंपैरिजन टू दी मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज हो या माइटोसिस का प्रोफेज हो, ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि इसमें भी फाइव फेजेस है फर्दर,
उन फाइव फेसेस को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना रही हूँ, लेप्टोटीन, ठीक है, उसके बाद जाइगोटीन आएगी, उसके बाद आपकी पेकाइटीन आएगी। देखो सारी फेसेस ना सेम सेम सा लग रहा है कि सेम सेम नेम है। उसके बाद तुम्हारी डिप्लोटीन आएगी, उसके बाद तुम्हारी डाइकाइनेसिस आएगी। थोड़ा सा कोशिश करें कि ये इसमें हो जाए, तो ले जाइपा डी दिया या दी दिया, ले जाइपा दी दिया, मतलब थोड़ा इसको लर्न करने की कोशिश करो, इट्स जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस कि ले जाइपा दी दिया, ठीक है, कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, कि आगे पीछे ना कर दो कि कौन सी फेस कौन सी थी, इसीलिए ये इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, ले जाइपा दी 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 दिया, ले जाइपा दी दिया, ठीक है। इट्स नॉट दैट टफ टू रिमेंबर दिस, इट्स एक्चुअली फन टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम लेप्टोटीन में क्या हो रही है, फर्स्ट फेज है तुम्हारे प्रोफेज वन की, तो जो इनिशिएशन या इनिशियल चीज़ थी प्रोफेज की वो इसी में आएगी ऑब्वियसली। थोड़ा सा कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हें टिपिकल नहीं लगेगा लर्न करने में, थोड़ा कोरिलेट कर लो, ठीक है। तो क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन तुम्हारा इनिशिएट हुआ होगा, ठीक है। कंपैक्शन बोला है यहाँ पे, कंपैक्शन या कंडेंसेशन वन ऑफ द सेम थिंग, कि कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूज, ठीक है। अब देखो ये तो चलो ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो पेयर बनाते हैं, क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, जो कंपैक्शन हो गया, ठीक है, कंपैक्ट हो गया, अब उन्होंने पेयर बना लिया साथ में। अब इसे क्या कहते हैं, ये जो पेयर बन रहा है, ये जो एसोसिएशन हो रहा है, इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है सिनेप्सिस। ये जो है ना चीज़ें, ये याद रखना, सिनेप्सिस कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम हो, इसे क्या बोला, सच पेयर्ड क्रोमोसोम कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला इसे, होमोलोगस क्रोमोसोम, रिमेंबर दीज थिंग्स। अब देखो तुम देखोगे ना माइक्रोग्राफ देखोगे या ठीक है, अगर तुम माइक्रोग्राफ देखोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ देखोगे क्रोमोसोम का इस टाइम पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि जो सिनेप्सिस है ना, क्रोमोसोमल सिनेप्सिस बना हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, उसे का मतलब बेसिकली जो सिनेप्स बनाए ना तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम या जो एसोसिएशन हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सिनेप्सिस क्या है, ठीक है। जब दो तुम्हारे जो क्रोमोसोम पेयर कर जाते हैं उन्हें तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम बोला। हमने जो पढ़ा था ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब मान लो कि अगर ये तुम्हारा अटैच्ड है, अरे रुको, ये एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम है जो तुम्हारा अटैच्ड है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, कि ये क्रोमैटिड्स हैं इसके, ठीक है। तो इनमें जो जब हुआ, तो ये जब एक्सचेंज हुआ, इट्स जस्ट अ रफ आइडिया बच्चों, जब इनमें एक्सचेंज हुआ तो इसी को रिकॉम्बिनेशन बोला गया है, ठीक है। अब चलो ये तो मैं यहाँ से कोरिलेट कर रही थी इस चीज़ का, तो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया। इसके बाद क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, ठीक है,
पेयर ऑफ सिनैप्टिकल क्रोमोसोम, ये सब जो तुम्हारा फॉर्म हुआ है, सिनैप्टमल होमोलोगस क्रोमोसोम बना है, ठीक है। सिनैप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बना है, किससे बना है? कॉम्प्लेक्स वैसे तो ठीक है, बट स्टिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके ये जो कॉम्प्लेक्स बना है किसके पेयर से बना है, क्या है सिनैप्टमल कॉम्प्लेक्स के अंदर? पेयर है साइनेप्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। बेसिकली यहाँ पे बाय टेट्राड क्यों, क्योंकि फोर हो गए ना अब इसके अंदर, ये और ये इस तरीके से, तो ये दो और ये दो, फोर और ये एक और ये दो, ये बायवेलेंट, ठीक है। ठीक है, पेयर ऑफ साइनाप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में ये चेंज, ये एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। ये वाले तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब देखो बच्चों, जो ये बायोवेलेंट और ये जो टेट्राड बनता है ना, ये तुम्हारा अभी इतना परफेक्टली विजिबल नहीं होता है, ये नेक्स्ट स्टेज तुम्हारी जो आएगी पिकाइटिन, वहाँ जाके तुम्हारे ये ज़्यादा प्रॉपरली विजिबल हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज इज योर पिकाइटिन। देखो बच्चों, ये याद रखना कहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, कहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, कि तुम्हारा सिनैप्सिस कहाँ पे है, तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनैप्टमल कॉम्प्लेक्स, बायोवेलेंट, ये चीज़ें याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे फोर क्रोमेटिड्स जो हैं, दिखाया मैंने फोर क्रोमेटिड्स तुम्हें, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये, दो सिस्टर ये, और दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, तो जो फोर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम कह लो, ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम, ये तुम्हारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं एंड अपेयर डिस्टिंक्ट हो जाते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, मतलब बेसिकली मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो वहाँ पे आगे जाके ढंग से विजिबल होंगे, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट होते हैं एंड अपेयर एज टेट्राड्स। अब वो टेट्राड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन अपेयर होंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स तुम्हारे यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, याद रखना बच्चों, रिमेंबर दिस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स तुम्हारे यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है साइट, कौन सी साइट होती है जहाँ पे तुम्हारे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर साइट, एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जो हमने क्रॉसिंग ओवर देखा, जो हमने रिकॉम्बिनेशन देखा था ना, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहाँ पे दिखने लगे हैं। अब याद रखना कहाँ पे आए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, कहाँ पे अपेयर होने लगे, पिकाइटिन स्टेज पे। अब इसमें होता क्या है, इस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मैंने दिखाया तुम्हें ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसका कुछ कट के इधर जाना है, इसका कुछ कट के इधर जाना है, इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो क्रोमोसोम होने लगे से, ठीक है। अब देखो ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये किसकी किसकी वजह से होती है, फिर कोई एंजाइम मीडिएटेड होती है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चों, वो क्या है, एंजाइम मीडिएटेड है, एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज, समझ गए। अब जो ये इसमें होता क्या है, क्या काम है इस तुम्हारे क्रॉसिंग ओवर का, तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
ऑन टू क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का टूटका इधर से रिकॉम्बिनेंट बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ फेकाइटी, यहाँ पे तुम्हारी स्टेज खत्म हो गई, कंप्लीटेड एट एंड ऑफ पेकाइटिन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे जो तुम्हारे क्रोमोसोम हैं, लीविंग क्रोमोसोम, लीविंग क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर की साइट है वहां पे तुम्हारे क्रोमोसोम लिंक्ड रह जाते हैं, लीविंग क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब आई तुम्हारी डिप्लोटीन स्टेज, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अब हाँ ये एक चीज़ हम बता देते हैं, जो लेप्टोटीन है और ये जाइगोटीन है, ये दोनों शॉर्ट लिव्ड है, तुमने भी देखा इसमें कुछ ज़्यादा बना नहीं, बट ये जो पेकाइटीन है यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन यहाँ से टूट के आ रहा है वहाँ जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी है लेप्टोटीन और जाइगोटीन से, ठीक है। अब तुम्हारे डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा सिनैप्टमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, एंड टेंडेंसी है किसकी, क्या बोलते हैं, रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम का जो टेंडेंसी है ऑफ बायोवेलेंट, उस मतलब बेसिकली जो तुम्हारे बायोवेलेंस हैं, ये जो बायोवेलेंट बने थे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो बेसिकली बायोवेलेंस सेपरेट, अब एक दूसरे से सेपरेट हो गए, बट क्या होता है, एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसओवर, जहाँ पे क्रॉसओवर था वहाँ से नहीं हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज़ जो है तुम्हारी, ठीक है, अब ये इस तरीके से रह जाएंगे, ये थोड़ा सा एक्स की शेप में लग रहा है ना, कि यहाँ से ये जुड़े रह गए, ठीक है। तो एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, तो यहाँ पे क्या बना लिया इन्होंने, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, जिसे क्या कहा, काइज़मेटा। क्या है ये, काइज़मेटा है वो साइट में, देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हम आगे जाके पढ़ते हैं, जब हमारे ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम ह्यूमंस में, तो वहाँ पे ना एक स्टेज होती है जहाँ पे तुम्हारा वो रुक जाता है, बेसिकली तुम्हारा जो फीमेल में एग फॉर्मेशन, एग्स बन रहे हैं, तो वो जो वो बन रहे हैं, गोनियाज बन रहे हैं, वो रुक जाते हैं एक स्टेज पे आके, वो स्टेज होती है प्रोफेज ऑफ दी मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। उसमें भी और डिस्टिंक्ट करें तो वो क्या होती है, ये होती है डिप्लोटीन फेज। क्वेश्चन आ जाए कभी उस फेज के, वो कौन सी फेज है पूछने के लिए, तो या तो मियोसिस वन बोलेंगे, या प्रोफेज वन बोलेंगे, या फिर डिप्लोटीन और ज़्यादा प्रॉपरली बोला जाए तो। तो इन ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, डिप्लोटीन स्टेज जो है लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर्स, ठीक है। अब ये तुम्हारी ये स्टेज हो गई। अब डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो काइज़मेटा बना था वो भी टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग काइज़मेटा। अब वो तुम्हारे जो है फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके हैं, मतलब जो प्रोफेज में कंडेंसेशन ही हो रहा था हमारा, तो यहाँ पे आते आते वो फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके हैं, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। अब तुम्हारा जो मियोटिक स्पिंडल है वो यहाँ पे प्रिपेयर होता है, और वो क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो चुका है, मतलब ख़त्म होते होते डाइकाइनेसिस के यहाँ पे न्यूक्लियोलस तुम्हारा डिसअपेयर हो जाएगा, तुम्हारी न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाएगी,
ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, ये स्टेजेस याद रखना बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, कि तुम्हारा लेप्टोटीन में ग्रेजुअली विजिबल होने लगता है क्रोमोसोम, तुम्हारा कंपेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू हो जाता है। जाइगोटीन की स्टेज में तुम्हारे क्रोमोसोम पेयर कर जाते हैं टुगेदर और एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। अभी जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, इसे तुम क्या बोलोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हो। अभी जो तुम्हारी माइक्रोग्राफ देखोगे तो जो सिनेप्सिस है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या कैसा दिखता है, दिखता है, और उसे क्या बोलते हैं, साइनोप्टोमल साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे बनता है, पेयर ऑफ द साइनैप्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम से बनता है, बायवेलेंट बोलो या टेट्राड बोलो, जो तुम्हें आने वाली स्टेज पर प्रॉपरली डिस्टिंक्टली दिखने लगता है। फिर यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होता क्या है, साइट होती है जहाँ पर तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टिक क्रोमेटिड्स के बीच में ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी जो क्रॉसिंग ओवर है वो एंजाइम मीडिएटेड होती है, रिकॉम्बिनेंस एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, और जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का दो क्रोमोसोम पे, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ पेकाइटिन, यहाँ पे लीविंग बिहाइंड द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब जो डिप्लोटीन है, वहाँ पे डिसॉल्यूशन होता है तुम्हारे सिनेप्टोमल एनिमल कॉम्प्लेक्स का, तो तुम्हारे बायोवेलेंट सेपरेट होना, क्योंकि बायोवेलेंट के फॉर्म में ही तो पूरा बना हुआ है साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वो डिसॉल्व होता है और एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर पे वो अभी भी ऐसे है, तो ये काइजमेटा बना रहे, मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। डिप्लोटीन ऐसी स्टेज है जो कुछ वर्टिब्रेट्स में जो है उनके ऊ साइट में काफ़ी साल तक रहती है, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस में क्या, तुम्हारा पूरा जो काइजमेटा था वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है, फुली कंडेंस क्रोमोसोम बन जाता है। अब तुम्हारा माइटोटिक स्पिंडल बनना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, हम तुम्हें याद है हमने प्रोफेज वन में देखा था सेंट्रोसोम जो है वो बना है, वो पोल्स पे जा रहा है, फिर वहाँ पे एस्टर्स रिली माइक्रो एस्टर्स जो हैं, जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो निकल रही हैं उसमें से, फिर स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हो रहे हैं ताकि वो सेंट्रोमियर से आके अटैच हो सके। सेंट्रोमियर कहाँ पे था, क्रोमोसोम पे था, उसके काइनेटोकोर पे अटैच हो सके। तो फिर हमने अब जो मेटाफेज पढ़ी थी वहाँ पे, वही मेटाफेज यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी डिसअपेयर हो गया और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो चुकी है। अब जो मेटाफेज आएगी वो सिमिलर मेटाफेज है जैसे कि हमने कहाँ पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, चलो एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें और दिखा देते हैं। ठीक है, प्रोफेज वन में देखो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक क्रोमेटेड है इसका सिस्ट, और ये एक क्रोमेटेड, दूसरा ये इसी का क्रोमेटेड, तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटेड, और ये इसका क्रोमेटेड, ये इसका क्रोमेटेड, तो ये दूसरे क्रोमेटेड्स, ये आपस में क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स, रुकना बच्चों एक मिनट। तो ये क्या हो गए तुम्हारे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए दोनों, ये क्रोमेटेड, ये वाला क्रोमेटेड, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटेड क्रोमेटेड, और ये वाला अलग क्रोमेटेड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है बेसिकली, और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड हो गए, देखो ठीक है। अब देखो जो मेटाफेज वन में हमने वहाँ पढ़ा था वो वही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। यहाँ पे भी जो ये बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स है तुम्हारे, ये वाला, ये जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स है तुम्हारे, ठीक है, ये जो चार बेसिकली तुम्हारे हैं, ये यहाँ पे एस्टर्स था याद है तुम्हें, यहाँ पे जाके एस्टर्स बन रहा है और स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, एस्टर्स इससे स्पिंडल फाइबर्स जो निकले हुए वो काइनेटोकोर पे अटैच हुए, एक क्रोमेटेड के इसके क्रोमेटेड इस क्रोमेटेड पे अटैच हुए, कैसे, काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हुए,
ये इधर के साइड पर अटैच हुए, इसने इसे यहाँ देखो यहाँ पे अभी खींच रहा है और ये यहाँ खींच रहा है, वही सब चीज़ें कि सेंट्रोमियर लीडिंग है और पीछे टेल जो है वो पीछे से आ रही है, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। ये तो चलो हमने एनाफेस का देख रहा, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुई, इक्वेटर पे क्या बन गई, इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफिजिक प्लेट बन गई, ये भी क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट। आई एम ट्राइंग कि तुम्हें मैं इसी डायग्राम से ये चीज़ समझा दूँ, तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ये सेम है जैसे कि हमारे माइटोसिस में था, तो वी डोंट नीड टू राइट इट अगेन। प्रोफेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे पूरा लिखना, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट स्टेजेस थी उसमें, ठीक है। फिर अपोजिट पोल से स्पिंडल्स फाइबर आ रहे हैं और फिर वहाँ पे उसको खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। अब एनाफेज में भी वही चीज़ हो रही है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये और ये यही तो है जो यहाँ पे आके ऐसे लग ये ऐसे हुआ है, दिस इज दिस ओनली, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हैं दोनों, तो ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये सेपरेट हो चुके हैं यहाँ पे, और सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ में रह रहा है, ये एक दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो बेसिकली ये जो दोनों आ रहे हैं ना वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। अब क्या ये तुम्हारी टीलोफेज आएगी, टीलोफेज में क्या हो रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर कर रहा है, यहाँ पे टीलोफेज आ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर कर रहे हैं। हाँ बच्चों, इसके ब्लैक पेन की ना इंक ख़त्म होने वाली है, इसलिए ऐसे सर्च चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने रीअपेयर कर लिया तुम्हारी, और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, सब कुछ होगा। अब तुम देखोगे यहाँ पे दो दो हैं ये, इसलिए क्या बोला इस चीज़ को, डायड ऑफ सेल्स। हाँ अब ब्लू पेन की भी इंक ख़त्म होने लग गई, डायड ऑफ सेल्स, ठीक है, डायट बन गया। बहुत सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली तुम्हारा इंटरफेज या कुछ इसमें एंटर नहीं करते, या फिर ये बोल लो, क्योंकि इंटरफेज तो मैंने आपको बताया यहाँ पे था ही नहीं, सॉरी, ठीक है, या ये बोल लो कि जो ये क्रोमोसोम होंगे वापस से डीकंडेंस होना चालू होंगे, बट कई बार होता है कि वो प्रॉपर डीकंडेंस नहीं होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर डिस्पर्जन में नहीं जाते हैं। क्रोमोसोम डू नॉट डिस्पर्स कंप्लीटली, ठीक है, और वो क्या करते हैं यहाँ पे, फिर एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड फेज और स्टेट होती है ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है, दे डू नॉट रीच द एक्सटेंसिवली एक्सटेंडेड, मतलब बेसिकली हमने देखा था माइटोसिस वन, ऐसे एक माइटोसिस हो गया, उसके बाद दूसरे माइटोसिस के बीच में इंटरफेज था, वहाँ पे क्या हो रहा था, तुम्हारा जो क्रोमोसोम था जो पूरा कंडेंस हुआ, सब कुछ हुआ, डिवाइड हो गया, ये वापस से क्या कर रहा, डीकंडेंस कर जा रहा था इंटरफेज में, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे वो जो तुम्हारा वो वाला फेज है वो नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा फेज़ आता है तुम्हारा, इंटरकाइनेसिस, जहाँ पे तुम्हारा क्रोमोसोम डू नॉट डिस्पर्स कम्प्लीटली, इंटरकाइनेसिस आता है तुम्हारा, ठीक है, इंटरकाइनेसिस आता है और ये शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, तुम्हारी स्टेज क्या होती है, तुम्हारी शॉर्ट लिव्ड होती है, बेसिकली शॉर्ट लिव्ड ही क्यों, क्योंकि जल्दी से करना है ना, अब थोड़ा ना है कि यही लेके बैठे रहोगे कि हाँ सिर्फ यही करना है, तो ये वाली स्टेज क्या हो जाती है तुम्हारी, शॉर्ट लिव्ड हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये शॉर्ट लिव्ड हो गई, और हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए नहीं रेप्लिकेट कर रहा है कि तुम इंटरफेस की तरह, यहाँ पे भी एस फेज आया तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, देयर इज़ नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, प्रोफेज सेकेंड आएगा, जो कि सिंपल सी स्टेज है जैसे कि माइटोसिस की थी, ठीक है, वो भी तुम्हें मैं डायग्राम के, रुको, वो भी हम तुम्हारे इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने मेन जो थी वो तो क्या थी, प्रोफेज वन ही थी, बाकी ये तो सिंपल सी स्टेज है, हम इससे ही देखते हैं, कहाँ गया, किधर आया है बताओ, कहाँ जाके आया है, तो ये तुम्हारी मियोसिस सेकंड है। देखो प्रोफेज सेकंड, दो डायड ऑफ सेल्स मिल गए हमें यहाँ पे,
जैसे कि बोला गया था मियोसिस सेकेंड के एंड में तुम्हें क्या होगा, फोर फोर हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, ठीक है, मियोसिस सेकेंड के एंड पे तुम्हें फोर हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। देखो सेम चीज़ हो रही है प्रोफेज सेकेंड में। अब जैसे कि बोला गया था कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तुम्हारे क्रोमोसोम्स का, तो ये है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया था तो वापस से इसने कंडेंसेशन कर लिया। और जो मियोसिस वन फेज के साइटोकाइनेसिस के बाद जो टीलोफेज है, तुम्हें इस चीज़ में बताना भूल गई, बट ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टूड कि टीलोफेज में तुम्हारा एंड में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, तभी तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तभी तो ये तुम्हारे दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस के बाद जो तुम्हारे मियोसिस सेकेंड आएगी, ठीक है, उसके बाद वो क्या है, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, डायड ऑफ सेल्स है यहाँ पे तुम्हारे, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है तुम्हारे फुली एलोंगेट, मतलब अब ऐसा भी नहीं था कि कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर गया था, बट स्टिल ओके। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में तुम्हारा क्या हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट में तो तुम्हारा प्रॉपरली वो डिसइंटीग्रेशन या जो भी चीज़ें थी, मियोसिस फर्स्ट में तुम्हारा कंडेंसेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल माइटोसिस की तरह ही है, कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई इट, डोंट कॉम्प्लिकेट कि मियोसिस सेकेंड तुम अलग से याद करने, मतलब तुम बेसिकली मियोसिस को कुछ अलग से करके याद करने की कोशिश कर रहे हो, नो डोंट डू दिस, इट जस्ट दैट तुम्हारा माइटोसिस से कोरिलेट करो एंड देन लर्न करो, ठीक है। मियोसिस वन का प्रोफेज वन अलग है, बस बाकी सब सेम हो रहा है यहाँ पे, हमने कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। अब वही जो तुम्हारे प्रोफेज में हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कर रही है, ठीक है, ये तुम्हारे उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कर गई, क्रोमोसोम तो आपके हैं ही सही आपके पास, फिर इसके बाद मेटाफेज में क्या हो रहा है, प्लेट पे आ रहा है, मेटाफेजिक प्लेट पे आ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हुए थे यहाँ पे प्रोफेज में काइनेटोकोर पे, फिर इसको ये यहाँ पे लेकर गए, एनाफेज में क्या हो गया, सेंट्रोमियर के थ्रू खींच रहा है स्पिंडल फाइबर इसको, ठीक है, स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो तुम्हारा अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी जो होल्ड कर रहा था ना, जो तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये अलग, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, अब ये दोनों भी अलग अलग हो गई, पहले वाले फेज में ये दोनों अलग नहीं होती, एटलीस्ट ये साथ में थी, अब ये दोनों भी अलग हो गई हैं, ठीक है। अब ये वन टू थ्री फोर ये अलग है ना, ठीक है, तो ये एक में आ गया इधर, ये एक में आ गया इधर, ये एक में आ गया इधर, ऐसे एक में इधर, सिंपल कुछ नहीं हुआ। और डायग्राम के थ्रू करोगे तो कुछ है ही नहीं है, मतलब बेसिकली सब कुछ सेम है, मेटाफिजिक प्लेट पे आया, फिर पोल्स पे खींच के लेकर आया गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर्स को सेंट्रोमियर के थ्रू इसको, ठीक है, काइनेटोकोर के से अटैच था, सब कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, टीलोफेज अलग अलग हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस होगा, उससे पहले गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो सारे ऑर्गेनल थे वापस से आ जाएंगे ताकि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा टेट्राड ऑफ सेल्स बन गया, फोर मतलब टेट्राड ऑफ सेल्स, फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब तुम्हारा मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया तुम्हें कि ये क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बना रहा है, जो मैं तुम्हें बताया था कि 2n से n बन रहा है, वो गैमेट्स बन रहे हैं, फिर वो फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन के बाद वो वापस से रीस्टोर कर लेगा अपना डिप्लॉइड वाला, ठीक है। तो मियोसिस एक मैकेनिज्म है जो कंजर्वेशन करता है किसका, स्पेसिफिक क्रोमोसोम का, ठीक है, कि तुम्हारा जो है 2n डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहे, वरना 2n मिलके 4n बन जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ हेल्प करता है, ठीक है, रिजल्ट इन द, और इसमें रिडक्शन होता है क्रोमोसोम का। देखो एक लाइन बोली गई है कि ये रीस्टोर कर रहा है, क्या लाइन है, रीस्टोर, ठीक है, या कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम ऑफ ईच स्पीशीज, कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमने 46 होते हैं 23 के पेयर में होते, तो हमारे अंदर वही रहे, डबल 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 ना होते जाएं, तो कंजर्वेशन करते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को ऑफ ईच स्पीशीज। बट एक लाइन पर मतलब देखा जाए तो बेसिकली तो रिडक्शन डिवीजन है,
रिडक्शन डिवीजन है ये, तो ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर रहा है ना, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर रहा है, फिर भी क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व भी कर रहा है, बेसिकली कंजर्व कर रहा है, दैट मीन्स अगर 46 है तो 46 ही रहने दे रहा है, कैसे, कि जब तुम्हारा 2n है उसे n में कर रहा है, ताकि ये n और n मिलके वापस से 2n बनाए, ना कि 2n प्लस 2n मिलके तुम्हारे 4n बना लें, ठीक है, ये ना हो। अब देखो जो तुम्हारा मियोसिस होता है तुम्हारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी में भी हेल्प करता है, कैसे, जो तुम्हारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, इसका मटेरियल थोड़ा इधर जा रहा था, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सचेंज करते हैं इस रिकॉम्बिनेशन के केस में, तो वेरिएशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वेरिएशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएशंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है, ये इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि सोचो अगर ये एक्सचेंज नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो जैसा का जैसा ही आएगा ना आगे, तो फिर जो हम क्लोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिसेलुलर के केस में वैसा का वैसा बनेगा, तो यहाँ पे मियोसिस का नीड ही ये है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती रहे, वेरिएशंस आते रहे, कि इस चीज़ में कोई दिक्कत थी कि इसमें कोई दिक्कत है, वो दिक्कत आगे जाके ना हो, कैसे ना होगा, कि हमने ये बेटर कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला भले ही कम बेटर कैरेक्टरिस्टिक हमने दोनों को मिलाया, तो इसके बेटर कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ गए, उसके बाद क्या हुआ, वो जेनेटिक वेरिएशंस आ गए, ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता, अच्छा वेरिएशंस से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उससे और समझ में आएगा, चैप्टर रीड कर लेना एक बार, नहीं तो आई हैव ट्राइड कि तुम्हें इसमें समझ आ जाए, दो चैप्टर तो फिर भी रीड करना पड़ेगा ना, टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ तुम्हें याद भी करना पड़ता है, तुम्हें खुद से भी पढ़ना पड़ता है, ओनली देन यू बिकम गुड इन दैट चैप्टर, ठीक है, सो ट्राई कि तुम इसके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लो एंड इस चैप्टर को रीड कर लो, थैंक यू बच्चों।